क्वेश्चन में आपसे कहा गया राइट दिस सेट फॉर इन सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म्स, मीन्स आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले ए सेट आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक, तो आपने पहले सेट का नेम मेंशन किया ए, कैपिटल ए, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया है और वेरिएबल दे दिया आपने एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है ना। यानी कि एक्स के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हमारे जो भी सेट के मेंबर्स हैं उनको, तो जो भी मेंबर्स हमने लिखने हैं वो क्या हैं, 10 से 10 के बराबर हैं या फिर 10 से छोटे हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये लेस देन के नीचे जो है वो साइन भी दिया है, सही है। उसके बाद बी सेट जो है हमारा वो -2, -1 से लेके +5 तक जा रहा है, ये क्या है, हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और इन इंटीजर्स को जो है हम जेड से, कैपिटल जेड से जो है वो शो करते हैं, इसलिए बी इज इक्वल टू, आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद वेरिएबल मैंने चेंज किया है वाई, सच दैट वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हमें जो है वो बताना पड़ेगा, हमें ये साइन लगाने के बाद जो है वो नीचे लाइन देनी पड़ेगी ताकि 2 भी इंक्लूड हो और 2 से हमारे स्टार्ट हो नंबर, ठीक है ना, जो कि हमारे ग्रेटर नंबर्स जाएंगे। तो हमने -2, -1 0 करके दिया एंड y इज लेस देन, यहाँ से ये लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू +5, ठीक है ना। तो हमारा ये 5 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे और 5 से हमारे जो है वो बड़े नंबर भी, सॉरी 5 से छोटे नंबर भी आ गए। उसके बाद सी पार्ट जो है, सी सेट जो, उसमें रावी, चनाब, इंडस, झेलम, सतलज दिया गया जो कि रिवर्स ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए सी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट और फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल चेंज किया ए, सेट दैट ए इज द नेम ऑफ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो आपने क्लोज आदमी करते रहे, ठीक है। हमारा जो इसका डी पार्ट है उसमें क्या है, 13579 ये, और फिर उसके बाद इनफाइनाइट सेट चल रहा है हमारा, यानी कि सेट के इन मेंबर्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं, ठीक है, उनके एंडिंग नहीं देगी। तो डी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है जेड, सेट दैट जेड बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ओ फॉर ऑड नंबर्स होते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट में ई सेट दिया गया, ई इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और फिर 20 तक नंबर दिए गए हैं, ये क्या है, हमारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ई हमने मेंशन किया, अपना ब्रैकेट स्टार्ट किया, वेरिएबल दिया जो कि मेंबर्स को शो करेगा एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, इवन से ये ताल्लुक रखता है, इवन नंबर हमारा जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए मजीद आगे मैंने क्या लिखा, एंड एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, सॉरी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। तो 20 तक आपके नंबर्स आएंगे, इवन नंबर आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे 2 से लेके 20 तक आपको नंबर्स लिखना है, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद सिक्स पार्ट है जिसमें s सेट है, s इज इक्वल टू सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक स्टार्ट विद लेटर s, s से स्टार्ट होने वाले जो हैं वो आपको यहाँ पे डेज ऑफ द वीक बोले गए, तो आपने s सेट दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद y, सेट दैट y इज द नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक स्टार्ट विद s, ठीक है। उसके बाद सेवन पार्ट है जिसमें z सेट आपको दिया गया, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स आपके तमाम जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं सारे इंटीजर्स की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने स्मॉल z लिया पहले, ब्रैकेट लगाया उसके बाद फिर स्मॉल z लिया है मेंबर्स को शो करने के लिए, तो z, सच दैट x बिलोंग्स टू और फिर उसके बाद कैपिटल z आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एट पार्ट में l पार्ट, l सेट आपको दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20 और फिर इनफाइनाइट है ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो l इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ a, सेट दैट a इज इक्वल इज द मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल्स की कोई हद नहीं दी गई है, इनफाइनाइट है तो इसलिए इज द मल्टीपल ऑफ 4 लिखा है हमने,